का मैं टीएस हैरी नॉर्थ बीसीआई नजर दिल्ली दिसंबर तक होने वाला साल के अंतिम क्षणों में एक यादगार जिसमें क्रिसमस भी आएगा और इसमें पांच जोन और एक ओवरसीज क्रिकेट टीम हमारी इस टूर्नामेंट के दौरान बीसीआई पचास वर्ष के खिलाड़ी हमारे हिंदुस्तान के वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी ये बीसीआई लगभग हमारे यहाँ के अध्यक्ष भुवन ने बताया कि इस टूर्नामेंट में पाँच जोन शामिल हो रहे हैं। ये टीम इस प्रकार की जोन की सिस्टम वेस्टर्न के बेस्ट नॉर्थ जोन के नॉर्दर्न वायरस एंड साउथ जोन की सर्दर्न ब्लेजर्स एंड सेंट्रल जोन की सेंट्रल स्ट्राइकर्स एंड ओवरसीज ग्लोबल पेट्रियट्स की टीमों के बीच राउंड रॉबिन पद्धति से मैच खेले जाएंगे और इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ही इंडियन ओवर 50 क्रिकेट टूर्नामेंट 16 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो साउथ अफ्रीका में दिनांक 6 से 20 मार्च 2023 के बीच आयोजित होगा। जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगी ग्राउंड में रखा गया है। टूर्नामेंट में सोशल लाइफ सोसाइटी है सच्चा सिंह रनिंग ट्रॉफी प्रथम स्थान रहने वाली टीम 1,70,000 का इनाम, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम सच्चा सिंह वुमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ब्रह्मलीन स्वर्गीय सच्चा सिंह वुमन की स्मृति में एक रनिंग ट्रॉफी रूप में 75,000 रुपये का इनाम पुरस्कार के रूप में दिया गया। इस तरह से बीसीआई की जो प्रचलन है वो धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रहा है। इसमें नॉर्दर्न से कई खिलाड़ी मौजूद, यहाँ जम्मू से आए, दिल्ली से आए, यूपी से आए, पंजाब से आए, ईस्टर्न में बिहार से आए, जमशेदपुर से आए, झारखंड से आए और इस तरह से लोकल की टीम इंग्लैंड से आई, सेंट्रल जोन की टीम हमारे मुंबई से आए, ना जाने कितने प्लेयर हैं उनकी सभी खेल रहे हैं। इस तरह से एक टूर्नामेंट अपने आप में सेमी पहला टूर्नामेंट जैसा चेन्नई में सफल है, दूसरा जो टूर्नामेंट आज उसकी शिकायत देते हैं। हम चाहते हैं जिस तरह से वेटरन क्रिकेट बढ़ रहा है उसका प्रचलन चलता रहे और हमारे वर्ल्ड कप होते रहे और हमारी जो कोरोना काल के अंदर ये जो कंडीशंस हमारी अपनी हेल्थ की इश्यूज़ को लेकर आई थी वो ठीक हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी सोच है। हम नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो हमारे 40-50 साल के ऊपर होते जा रहे हैं, उनको इस दिशा में लाकर उनकी हेल्थ इश्यूज़ को ख़त्म करें, ये हमारा मेन मकसद है। धन्यवाद।